Hey guys, this is T and you are watching Toy Dama YouTube channel. अगर channel को subscribe नहीं किया तो make sure channel को subscribe करो because आपको यहाँ पर मिलती है update knowledge about marketing, affiliate marketing, about internet business, digital marketing, social media marketing, a lot of money, how to earn money. तो make sure आप channel को subscribe करके bell का icon press करो और आज की video में हम लोग बात करने वाले हैं Google AdSense के ऊपर. मुझे पता है यहाँ बहुत सारे ऐसे bloggers जुड़े हुए हैं हमारे channel के साथ और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं. तो गाइज अभी recently आप लोगों को पता होगा कि मैंने भी अपना एडसन जो अकाउंट है उसको मोनेटाइजेशन ऑन किया है थ्रू यूट्यूब, राइट. तो मैंने पिन के लिए अप्लाई किया था बट पहले टर्म में पिन नहीं आया, राइट. एक महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और पिन नहीं आया. देन मैंने सोचा कि चलो री अप्लाई करते हैं, बट मैंने स्टार्ट किया री अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैं देखा कि पहले जहां पर री अप्लाई का ऑप्शन होता था वहां पर ऑप्शन है ही नहीं, राइट. तो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो उस चेंज को मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए बिकॉज अगर 2019 के बाद आप 2020 to 2021 में जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा री अप्लाई करने के लिए. तो गाइस हम लोग चलते हैं सीधा गूगल एडसेंस में. ये है मेरा गूगल एडसेन. तो यहाँ पर अभी 66.47 रुपीज हुए हैं. आई डोंट नो कि पहले जब मैं इसका मोनेटाइजेशन ऑन किया था, आई थिंक मुझे मोनेटाइजेशन ऑन किए 6 महीने से भी ऊपर हो गया है और जो यूट्यूब है उसमें मुझे $237 के आसपास दिखा रहा है. बट प्रॉब्लम ये है गाइज कि जब मैंने इसमें देखा तो इसमें मुझे 0-0 दिखा रहा था. अभी 3 महीने पहले जब मैंने इसमें देखा तो मुझे 0-0 दिखा रहा था, 2 से 3 महीने पहले की बात है. तो मुझे लगा कि मेरा जो एडसन के साथ है वो यूट्यूब कनेक्ट ही नहीं हुआ है. देन मैंने क्या किया, मैंने फिर से स्टार्ट किया देखना कि क्या क्या हो रहा है. तो मैंने एक लिंक, मतलब रैंडमली एक लिंक क्लिक की. मैं जो हुआ वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. रैंडमली मैंने एक लिंक क्लिक की जाके YouTube मोनेटाइजेशन सेक्शन में और देन जाके मुझे इसमें कनेक्ट मिला गूगल एडसन में और धीरे धीरे फिर इसमें फिर से शुरू से पैसे स्टार्ट होना, अर्निंग होना शुरू हुए. तो अब जाके 2 महीने में आप जो रेवेन्यू देख पा रहे हैं वो सिर्फ 66.47 हुआ है. और देन मैंने अप्लाई किया था अभी 1.5 महीने पहले पिन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं पिन क्यों नहीं आ पाया. देन मैंने रीअप्लाई करने की कोशिश की तो पहले यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता था रीअप्लाई करने का, बट अभी नहीं मिलता. देन अभी आपको क्या करना है, आपको सीधा अकाउंट में जाना है, अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट में जाना है. देन आप जैसे अकाउंट पे जाओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा जो ओपन हो रहा है. तो गाइज ओपन होके कुछ ऐसा नजर आएगा, फिर आपको वेरीफाई एड्रेस में क्लिक करना है. तो गाइज जैसे ही आप वेरीफाई एड्रेस में क्लिक करोगे कुछ आपको ऐसा खुला हुआ नजर आएगा जहां पर लिखा रहेगा एंटर योर पिन, बट हमारे पास पिन है ही नहीं, राइट. तो आप देखना जब आपका पिन 4 महीने हो जाएंगे और आपको पिन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर यहाँ नीचे में एक ऑप्शन आएगा जो अभी मेरा नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने अभी अभी अप्लाई किया है. उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके आपको आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पिन पे क्लिक करना पड़ेगा. देन जस्ट वो फिर रीअप्लाई हो जाएगा और फिर आपको 2 से 4 हफ्तों का टाइम दिया जाएगा. अगर फिर वो नहीं आया तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो तीसरे टाइम और वो लास्ट टाइम रहेगा. अगर उस समय नहीं आया तो आगे का प्रोसेस क्या होगा ये आपको पूछना पड़ेगा गूगल एडसन से, क्योंकि वो लास्ट प्रोसेस होता है. तो दोस्तों यही चीज आपको बताने थी कि अब आपको ऐसे ही करके करना पड़ेगा बिकॉज आप सामने में वो ऑप्शन नहीं दिया रहता, आपको अकाउंट के ऑप्शन में जाना होगा और अकाउंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुला हुआ मिलेगा जहां पर आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा. अभी अभी मैंने अप्लाई किया तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तो आपको कैंसिल करना है फिर आपको री अप्लाई करना है. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देगा जो अभी मुझे नहीं दे रहा है बिकॉज अभी मैंने 3 दिन पहले ही इसको री अप्लाई किया, राइट. तो गाइज आपको ऐसे ही करना है गूगल एडसन का, आप टेंशन मत लेना. 3 टाइम्स आपको ऑफर दिया जाता है, तीनों टाइम्स में किसी भी टाइम आपको गूगल एडसन आ सकता है. बट याद रखना कि ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है आने में, तो कभी दूसरे टाइम में कभी तीसरे टाइम में आ ही जाता है, राइट. अगर एट द एंड नहीं आया तो आपको गूगल से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, देन वो कुछ और आपको वे देंगे वेरिफिकेशन का. तो वैसे इस वीडियो में इतना ही, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके आगे काम आएगी अगर आप कभी भी गूगल एडसन के साथ काम करोगे. सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद.